अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पॉटलाइट। आई एम अमरीन नजमी खान। अब हमारे साथ जिन गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, ही इज अ मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर एट एमके लाइंस शिपिंग कंपनी। लेट्स वेलकम शेख फरहान अली, ही इज आल्सो आवर एलुमनाई। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मिस अमरीन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। कैसे जा रहे हैं आजकल? अभी क्या ऑफिस में ही हैं आप? जी आपको इस चीज से अंदाजा हो रहा होगा। हाँ वही मैं देख रही थी क्योंकि आपको पता है कि पेंडेमिक के हिसाब से बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो हमारी अभी कुछ इसी तरह का सिलसिला है। लिमिटेड स्टाफ के साथ हमने कंपनी को माशाल्लाह से बहुत स्मूथ वे में चलाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब भी हुए हैं और एप्रिसिएशन भी हासिल की है डायरेक्टर्स की अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये उसी का सिलसिला है सारा ये, क्योंकि पॉलिसीज के साथ साथ इन चीजों को फॉलो करना है ना। बिल्कुल, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी कम फर्स्ट। तो बस मास्क, सैनिटाइजर और ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखी हुई है और काम कर रहे हैं अल्लाह की करम। आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस घर पे, आजकल घर से ही हो रहा है जो भी काम हो रहा है। बाकी ये कि बस सेम, आप कहीं जा रहे हो बाहर तो आपको मास्क लेना है, सैनिटाइजर रखने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, तो ये बस कुछ चीजें जो फॉलो करनी पड़ती हैं आजकल। एग्जैक्टली। अच्छा ये तो चलें ये बताइए कि वैसे पेंडेमिक का कोई असर कितना अफेक्ट हुआ हमारी शिपिंग लाइन की तरफ कुछ इस तरह? नहीं, हमारी शिपिंग लाइन पे तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमने माशाल्लाह से ग्रो ही किया है इस पेंडेमिक कंडीशन में, क्योंकि अगर आप देखें तो तकरीबन सब कुछ ही बंद पड़ा हुआ था ना, तो ये डे फर्स्ट से शिपिंग लाइंस बंद नहीं थी। अल्लाह का बड़ा क्योंकि बाकी सारे बिजनेस बंद हो गए थे, बड़ा टाइम लगा है सबको, थोड़ा 15-20 डेज बाद समझ आई कि करना क्या है। एग्जैक्टली, फार्मास्यूटिकल और शिपिंग लाइन ओपन थी और अल्लाह के करम से हमने इतने मतलब इतनी सख्ती थी कि बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पुलिस की चेक पोस्ट बनी होती थी, उन सारी चेक पोस्ट को हम क्रॉस करते हुए ऑफिस आते थे कि हमारी जो है कंपनी को एक सपोर्ट दरकार थी उस टाइम ना, तो हम अपनी सपोर्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बड़ी मुश्किलों से अपनी जान पे खेल के कंपनी में आते थे और अल्लाह के करम से बड़ा मुश्किल दौर हमने बहुत हंस खेल के गुजार दिया। तो कैसे सोचा कि इसी फील्ड में जाना है, मैंने इस साइड पे आना है? एक्चुअली अमरीन, मेरा जो मतलब जो बचपन से मुझे शौक था मार्केटिंग फील्ड में जाने का, ठीक है, तो लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और कुछ ऐसे इशू के आपको वक्त से पहले जॉब शुरू करनी पड़ जाती है, एजुकेशनल आपकी एक स्टार्टिंग लेवल पे होती है और आप जॉब स्टार्ट कर देते हो तो वहां पे आपको कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो आपको जिस वे में पहली जॉब मिलती है आप उसको कंटिन्यू करते हो ताकि आप अपनी जॉब के साथ साथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो ना, तो बस यही सिलसिला मेरा भी था। मैंने ग्रेजुएशन जॉब करते हुए किया, फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, मैंने बायो मेजर मार्केटिंग में किया है, मजे की बात आपको बताऊं, लेकिन मेरी पहली जॉब एडमिनिस्ट्रेशन की थी। मैंने काफी बीच में कई दफा सोचा कि मैं मार्केटिंग फील्ड में स्विच हूँ, किसी तरह से मार्केटिंग फील्ड में अप्लाई करूँ। मैं पहले फार्मास्यूटिकल में जॉब करता था, फार्मीवो प्राइवेट लिमिटेड का शायद आपने नाम सुना हो, तो फार्मीवो प्राइवेट लिमिटेड में एडमिन ऑफिसर था, एडमिन सीनियर ऑफिसर था, मैंने वहाँ पे जॉब की 5 साल। उसके बाद मैंने फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, यहाँ पे मुझे 5 साल हो गए एमके लाइन प्राइवेट लिमिटेड में। तो सारा ये आ जाता है कि जब आप पहली जॉब स्टार्ट करते हो ना तो उसको चेंज करना, उस फील्ड को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कोई 13-14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में। और बट यू आर एंजॉयिंग इट, आपको अच्छा भी लग रहा है? यस, आई एम एंजॉयिंग। यस, एग्जैक्टली, आई एम एंजॉयिंग। यू लाइक योर वर्क? यस। चेंज तब करते हो जब आपको होता है कि नहीं, आई एम नॉट सैटिस्फाइड, ये मुझे मजा नहीं आ रहा काम करने में, अब मैं चेंज कर देता हूं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुली सेटिस्फाई हूँ और इंजॉय करता हूँ अपने काम को। और उसके सबसे बड़ा मैटर, एक और चीज मैं बताऊँ, सबसे बड़ी चीज बेस करती है उसके ऊपर कि आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो डायरेक्टर्स हैं, आपके जो सब ऑर्डिनेटर हैं, आपकी जो टीम है, वो आपके साथ कैसी है। यहाँ माशाल्लाह से मेरे जो बॉस हैं, MD जो है कंपनी के, वो मेरे हम उम्र है, ठीक है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि मैं कितना ज्यादा मतलब मेंटली सेटिस्फाई हूँ इस जॉब से। जो मेरा बॉस है वो मेरा हम उम्र है, तो मुझे कितना समझता होगा,
मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंडर तकरीबन 20-22 लोग काम करते हैं, 25 लोग काम करते हैं ख्याल से मेरी रिपोर्टिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव टीम है मेरी, तो आई एम एंजॉयिंग. That's good. So, फिर कैसा रहा पूरी the school journey, कैसी रही school, कहाँ से schooling की, फिर इल्मा में कब admission लिया, masters में लिया था, bachelor's में लिया था? मैंने masters में admission लिया था. हाँ, मैंने EDC branch थी nursery पे. Might be possible आपको पता हो, branch अब shift हो गई है बलोच कॉलोनी की तरफ ना. EDC campus था nursery पे 2011 के जून session में, जुलाई session में मैंने admission लिया था. ठीक है, हमारा जो टेस्ट होता है वो हुआ था रीजेंट प्लाजा में. ठीक है, रीजेंट प्लाजा में टेस्ट हुआ था, फिर हम लोग टेस्ट पास करके एडमिशन हमारा कंटिन्यू हुआ था, फिर हमने जुलाई 2011 से अपना सेशन स्टार्ट किया था. और माशाल्लाह से हमने तीन थे हम लोग, मैं आसिफ महमूद को शायद आप जानती होंगी, वो एलुमनाई सोसाइटी के कुछ मेंबर वगैरह भी हैं किसी अच्छी को. अच्छा, मैंने भी जरा रिसेंटली ज्वाइन किया था, अभी मिल ही रही हूं क्योंकि पेंडेमिक हाँ, 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 हो गया तो महमूद जी वो मेरे एक्स कोलीग भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, हम दोनों ने एडमिशन साथ लिया था. और हमारे साथ होती थी हमारी एक फ्रेंड मरियम जो स्विच करके दुबई चली गई थी, एमबीए पूरा नहीं किया. फिर माशाल्लाह से हम दोनों ने सेशन स्टार्ट किया था. और जब हमने सेशन खत्म किया तो हमारी ग्रुप लिस्ट तकरीबन 15-20% पे थी, मतलब everyone want to join us. हर कोई हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी भरपूर करते थे, बहुत एंजॉय करते थे. टीचर्स हम मतलब ऐसा नहीं हमने कभी किसी टीचर के साथ बदतमीजी की हो, लेकिन ये है कि पढ़ाई के साथ पढ़ाई करते थे, जब थोड़ा सा गैप होता था तो थोड़ा सा टीचर को छेड़ते भी थे, तो एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा कि एक फनी इन्वायरमेंट रहे. और जो सारे मतलब थके हारे 3 घंटे पढ़ने आते हैं शाम में, यानी कि सुबह 9 बजे से ऑफिस से आप 6 बजे आ रहे हो क्लास लेने, इवनिंग क्लास, या सैटरडे संडे आप पूरे हफ्ते काम करने के बाद सैटरडे संडे क्लास लेने आ रहे हो, तो उस एक बोरिंग लाइफ से निकलने के लिए थोड़ा सा अपने आप को ये करना पड़ता था. तो मिस अमरीन बड़ा जरूरी हो जाता है. अच्छा, हाँ बड़ा जरूरी हो जाता है. मिस अमरीन होती थी, बहुत मतलब हमें डांटती भी थी काफी डांटा है उन्होंने हमें हमारी शरारतों पे, लेकिन हमसे मोहब्बत भी बहुत करती थी कि उनको पता था कि यार ये लोग जो है ना बस आखिरी हैं, चीते हैं ये लोग, इन लोगों की टीम जो है बहुत जबरदस्त है. और हमसे ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट भी कोई नहीं करता था क्लास से बाहर भी. हमसे फेवरेट टीचर थी जी, फेवरेट टीचर कह सकते हैं आप. एक हमारे फेवरेट टीचर और भी हैं, सर जियाद शेख, अगर आपने शायद नाम सुना उनका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ाते थे वो, तो काफी मतलब एनर्जेटिक पर्सन है. यूनिलीवर में मेरे ख्याल से जॉब कर, अब नहीं पता मुझे, उस वक्त यूनिलीवर में थे, सप्लाई चेन मैनेजर ही थे वो तो उनके साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है. मिस दूरिया, अच्छा मिस दूरिया को शायद आप जानती हो, मैडम दूरिया ईडीसी कैंपस की हेड भी रह चुकी है. अब मैं जब ज्वाइन करूंगी ना फिर मैं मिलूंगी सबसे डिटेल में सही तरह. मैडम दूरिया ईडीसी कैंपस की हेड भी रह चुकी है ना, तो अच्छा. मैंने उनके, अच्छा मजे की बात बताऊं, उनके अंडर मैंने जॉब भी की है डीसी में ना, एज अ एडमिन एग्जीक्यूटिव. मिस दूरिया के अंडर मैंने एज अ एडमिन एग्जीक्यूटिव जॉब भी की है ईडीसी कैंपस में. अच्छा, ओके, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. सो आई एम श्योर आपके टीचर्स बड़ा प्राउड फील करते होंगे जब देखते होंगे अपने स्टूडेंट्स को इस तरह. जी, ये बस अल्लाह का करम कह लें इसको, कि आप सबकी दुआएं हैं, टीचर्स की दुआएं हैं, हार्ड वर्किंग है हमारी, पेरेंट्स की. तो ये जब था इस तरह जैसे एकेडमिक और प्रैक्टिकल लाइफ में फिर डिफरेंस फील किया, पढ़ रहे थे बाहर में, जब प्रैक्टिकल लाइफ में गए उसमें बहुत 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 ज्यादा ना. देखें उस टाइम एक थोड़ा सा लड़कपन होता है ना, कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां तो थी लेकिन इतना ज्यादा बर्डन नहीं था. मैं सपोर्ट करता था फैमिली को, लेकिन एक उस लेवल पे नहीं करता था कि मैं इतना परेशान हो जाऊं, टेंशन में आ जाऊं, इस तरह का कोई सीन क्रिएट हो जाए कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल ही बोर होके बैठ जाऊं साइड में ना. तो उसके बाद अभी जो करंटली लाइफ है ना, एकेडमिक के बाद अभी जो करंट चल रहा है, तो अभी मेरी लाइफ थोड़ी मसरूफ हो गई है, बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई, क्योंकि फैमिली, फिर शादी के बाद लाइफ और चेंज हो जाती है माशाल्लाह. फिर मेरे 3 बेबी है ना, 2 बेटियां 1 बेटा है मेरा,
माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह जी, तो उनके साथ थोड़ा टाइम, फिर उसके अलावा मेरा एक बहुत मतलब एक मुझे जो शौक है, मैं आपको एक और चीज एडिशनल बताऊं कि मैं यूट्यूबर भी हूं, तो मुझे जी मेरा यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान विद फरहान अलीना, तो उसमें मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता था पूरे पाकिस्तान की, मैंने तकरीबन ब्लॉगिंग की भी है, और अभी करंटली मैं अपडेट्स वगैरह पे वीडियो बना रहा हूँ जॉब के साथ साथ, सैटरडे संडे ऑफ होता है मेरा, तो उसमें मैं अपना ये शौक पूरा करता हूँ। तो इसमें क्या ट्रैवलिंग व्लॉग था कुछ आपका? जी ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी हैं मेरी, काफी सारे ट्रैवलिंग्स हैं, नारान, कागान, शुगरान, नीलम, कश्मीर, ये सारी चीजें, बाबूसर टॉप सारा मैंने कवर किया हुआ है, हुंजा हुंजा अपना नलतर वैली, ये सारी चीजें मैंने व्लॉगिंग की हुई है यहाँ पे ना। मैंने सारी दुनिया घूमी है बस पाकिस्तान नहीं घूमा, अब मेरा ये प्लान है कि आपने गलती की ना, रिसेंटली शिफ्ट हुई हूं, तो अब मैं सोचती हूं कि जब सब खुल जाएगा, ओपन हो जाए, वंस एवरीथिंग इज, तो आपने असली स्टार्ट तो फिर जाओ। हां अमीन फिर आपने असली व्यू देखा है। हां पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है, मैंने दुनिया नहीं घूमी लेकिन मैंने जितना घूमा है ना, मैं उसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान। बिल्कुल, माय फ्रेंड्स बताते थे, मैं मेरे ब्रिटिश फ्रेंड्स थे कुछ जो कि पाकिस्तान स्पेशली आते थे, और फिर मैं बताते थे कि है तुमने अगर पाकिस्तान नहीं देखा है तुमने क्या देखा फिर। जी एग्जैक्टली, आपको पता है अमरीन के लास्ट ईयर, या आप कह लेंगे लास्ट ईयर या अभी 6-7 महीनों पहले अगर आप जाएं बैक साइड पे, तो पाकिस्तान टूरिज्म के हिसाब से नंबर 1 पे है। लास्ट ईयर था, मुझे याद है। से आप बाहर लोग इनवाइट करते हैं, हम आए, नंबर 1 टूरिज्म इधर है, इधर जगहें देखें कितनी खूबसूरत है, क्या है, कश्मीर इतना खूबसूरत है, आपका जो हुंजा वाली साइड है, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड है, वो इतनी खूबसूरत है, मतलब आप देखें तो आप बोलते हैं कि आप जन्नत में आ गए। दिल नहीं चाहता। ओके चलो इंशाल्लाह फिर प्लान करूंगी जरूर मैं, इंशाल्लाह देन आई डेफिनेटली गो। अच्छा मुझे ये बताओ अपने इसके बारे में, फील्ड के बारे में, यू आर द मैनेजर देयर, तो क्या क्वालिटीज होती है किसी अच्छे मैनेजर की? देखिए सबसे अहम चीज होती है कि आपके अंडर जो टीम काम कर रही है ना, उस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके जो भी मेंबर्स हैं उनकी क्या जरूरियात हैं या उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना, ठीक है। एक अच्छा मैनेजर, मतलब मैं मैनेजर नहीं कहूंगा, एक अच्छा टीम लीडर, ठीक है, एक अच्छा टीम लीडर वही होता है जो अपनी टीम को अपने साथ लेके चले, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को समझे। कि एक टीम लीडर जो है उसके अंदर अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है, तो वो अपनी डिस्टर्बेंस की वजह से अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली सरंजाम नहीं दे सकेगा, डिस्टर्ब रहेगा वो, उसके कहीं ना कहीं वो जिसको हम कराची की लैंग्वेज में कहते हैं ना, कराची के लड़के भंड मार दी तो ऐसा सिलसिला हो जाता है, तो वो गलती कर बैठते हैं, फिर उस पर क्या होता है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, क्लास होती है, वार्निंग इश्यूज की जाती हैं, तो ये सारी चीजें। एक अच्छा लीडर होता है जो अपनी टीम का ख्याल रखे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझे, उनको देखे और उनको रिजॉल्व करे टाइमली। और मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन पे अगर बात करूँ ना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपको पता है कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, सही है, कि जो 20,000, 25,000, 30,000 कमाने वाले लोग हैं ना, सिंगल फैमिली को अगर वो चला रहे हैं तो बहुत मुश्किल है चलाना, बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को समझते हुए पे स्केल को अगर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देना, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए, देखिए हमारे यहाँ क्या है, एक सर्किल बना हुआ है कि भाई इतनी परसेंटेज बढ़नी है, 5% बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी, 10% इंक्रीज कर दी, तो ये सारी चीजें, उसमें होता क्या है, महंगाई जो है पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो 20-30%, या मैं कह रहा हूँ कि 30% से भी अबव इंक्रीज हो गई होगी महंगाई ना। तो अब हम सैलरी बढ़ा रहे हैं 10%, वो 20% लेस में जा रहा है। अब ऐसा बंदा जो है वो क्या करेगा, वो फिर अपनी लॉयल्टी को करेगा साइड में, अपनी ईमानदारी को रखेगा साइड में, फिर वो गलत चीजों में पड़ेगा, सही है। तो ये सारी चीजें मैं ये समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को ना थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करना चाहिए, एम्प्लॉई की लॉयल्टी हासिल करने के लिए ना, उसकी प्रॉब्लम को। जब पे देते हैं 2 के वो टैक्सेस में ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन फिर उतना पे भी कर देते हैं कि चलो बंदा टैक्स देते हुए या महंगाई के से कोई फर्क ना पड़े ज्यादा।
और हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा मिलती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज दे देते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। अगर किसी को एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ओनर्स जो हैं, सेठिया कंपनी है ना, कोई मल्टीनेशनल कंपनी सेठिया कंपनी है, तो अल्लाह का बहुत करम है, हमारे ओनर्स बहुत अच्छे हैं, इस चीज का ख्याल रखते हैं कि अगर किसी को एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए तो उसको सपोर्ट करते हैं टाइम पे भी और फाइनेंशियली भी। ठीक है, तो ये बहुत एक गुड साइन होता है, ये अपने एम्प्लॉय की लॉयल्टी हासिल करने के लिए बहुत एक अच्छा साइन है। बाकी आप बताएं कैसा चल रहा है इल्मान से बाकी इट्स फाइन। अच्छा ये बताओ कि व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर वर्क? सॉरी आवाज कट रही है। व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर वर्क? सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है अपने काम के बारे में? यार मेरा तो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरऑल काम बड़ा तफरी वाला है, लेकिन इसमें एक काम, एक नहीं दो काम ऐसे होते हैं जिसमें बड़ा मजा आता है करने में ना, एक एनुअल पिकनिक अरेंज करने में और एक एनुअल डिनर होता है हमारा ना, वो अरेंज करने में। उसमें हम लोग एक अच्छा बड़ा सेटअप करते हैं, मैरियट होटल में सेटअप करते हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है सब इन्वाइटेड होते हैं, डिनर वगैरह होता है, उसमें टेबलो शो वगैरह होते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा स्टार्स वगैरह को इन्वाइट करते हैं। लास्ट टाइम जो है वो इमरान, क्या नाम है ड्रामों में जो आते हैं इमरान, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, नीलम मुनीर, हाँ नीलम मुनीर, इमरान वगैरह, इमरान अब्बास आई थिंक, इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, किरदा हाशमी, इन लोगों को इनवाइट किया था लास्ट ईयर हम लोगों ने, तो काफी मतलब एंटरटेनिंग होता है वो ना, बड़ा मजा आता है उसको अरेंजमेंट करने में, पूरा जो सेटअप होता है वो 3-4 घंटे का वो स्पेंड करने में, मतलब लॉट ऑफ फन ना। So, कभी स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रहा है? सॉरी, कभी स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्ट रहा है? स्पोर्ट्स जी, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर भी हूं। अगर आप मेरी प्रोफाइल भी चेक करेंगी तो फेसबुक पे अभी आप जाके देख सकती हैं, उस पे लिखा हुआ है आई लव क्रिकेट। अच्छा, क्योंकि यहां पे अक्सर पाकिस्तान में मैं यही सुनती हूं, पीपल लव क्रिकेट, हर बंदे ने क्रिकेट जरूर खेली होती है। मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी का तो नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इल्मा में मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, टीचर बहुत अच्छे हैं, टीचर जो हमारे वक्त के टीचर थे बहुत सपोर्टिव टीचर थे स्टूडेंट को। अब मैंने अभी भी है। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि एक थका हारा बंदा सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी करके क्लास लेने आता है ना, अब उसको टीचर की अगर सपोर्ट ना मिले ना तो वो मेरे ख्याल से नहीं कर सकता। देखिए, मैंने जब MBA ज्वाइन किया था ना, तो मुझे काफी गैप के बाद मैंने शुरू किया था, मैंने 2005-2006 में ग्रेजुएशन कर लिया था, तो कुछ इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर पाया था, तो 2011 में मैंने 5 साल बाद जब शुरू किया, तो मेरे शुरू के 2 सेमेस्टर बहुत खराब हुए थे, सी ग्रेड आया था मेरा ना, पेपर्स में सी ग्रेड आए थे मेरे, तो CGPA मेरी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, तो मेरे टीचर्स जो भी मुझे मिले बाद में, मिस कुरतुलैन थी और भी टीचर्स थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तरीके से समझाया, एक लर्निंग प्रोसीजर सिखाया कि भाई किस तरह आपने इसको रिजॉल्व करना है, जिस तरह MBA में आपको पढ़ाया जाता है। MBA एक डिफरेंट एजुकेशन है, मतलब आप इंटर और ग्रेजुएशन में ना रट्टाफिकेशन होता है खाली, सही है, तो MBA में रट्टाफिकेशन नहीं है। MBA में जो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है, उसको आपको सही से समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को सही से समझना है, उस कॉन्सेप्ट को डाइवर्ट करना है अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में समझ के, अपने दिमाग में बिठा के, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमें जो उस टाइम टीचर थे हमारे, मुझे अभी करंटली नहीं पता क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे यूनिवर्सिटी गए हुए, तो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर्स आर द मेन थिंग, वही स्टूडेंट्स को ज्यादा मोटिवेट करते हैं, वही सपोर्ट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहोगे अभी? सॉरी, अभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? स्टूडेंट के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भाई दिल लगा के पढ़ो, ठीक है, और जो प्रोफेशनल लाइफ है ना वो बहुत टफ है, बहुत टफ लाइफ है, जब आप अपनी पढ़ाई से निकलते हो ना तो बहुत हमारी एजुकेशन लेवल पे जो बच्चे हैं ना वो मम्मी डैडी ज्यादा बच्चे हैं, जिन्होंने
अपना दुनिया का ना एक वो रूप नहीं देखा जो प्रोफेशनल लाइफ में आके दिखता है, ठीक है, सो क्योंकि इट्स वो लोग ऑलवेज डिफरेंट. जी इज टोटली डिफरेंट ना. कि देखिए मैंने आपको बताया ना कि मैंने बहुत स्ट्रगल किए शुरू से, तो मुझे पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन हमारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की सपोर्ट पे चल रहे हैं, उनको बाहर का पता ही नहीं है ना कि है क्या प्रोफेशनल लाइफ है क्या. जो थोड़ी बहुत इंटर्नशिप कर लेते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि यार क्या चल रहा है, लेकिन वो 2 महीने 3 महीने में वो पूरा एक आइडिया नहीं लगा सकते कि दुनिया में चल क्या रहा है. तो इसलिए भाई जो भी एजुकेशन हासिल करो समझ के एजुकेशन हासिल करो, रट्टाफिकेशन मत लगाओ, जो पढ़ रहे हो जो टीचर समझा रहा है उसको अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना भाई वो काम नहीं आना, जो दिमाग में बैठा हुआ है ना वो आपके काम आना है. और प्रोफेशनल लाइफ आपकी एजुकेशन लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मैं कहता हूं कि आपकी 80% डिफरेंट है. 20% आपको एजुकेशन आपकी सपोर्ट करती है, जो आप ईमेलिंग करते हो, ड्राफ्टिंग करते हो, या मतलब स्पीच करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, वो 20-30% आपको सपोर्ट करती है, बाकी सारा आपका माइंड का गेम है. आपने अपनी जो भी नॉलेज है इधर बिठानी है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी, ठीक है. और हमारे आजकल कुछ बच्चे, कुछ जवान नस्ल जो है ना वो थोड़ी सी बिगड़ रही है, दूसरे वे में जा रही है, तो काफी मतलब एक मैं आपको अगर बताऊं तो चीटिंग विटिंग की तरफ जो है ना रुझान आ जाता है बच्चों का, तो वो चीज नहीं करो भाई. अगर एक पेपर रुक भी जाता है ना तो रुकने दो, ठीक बट अपना है, समझ के पढ़ो, अपना समझ देखो, अपना के पढ़ो, तरीके से समझ के पढ़ो, बिल्कुल समझ के अपनी. क्लियर करो, वो आगे आपके लाइफ में काम आना है. ये लिखा हुआ रट्टाफिकेशन चिटिंग वगैरह किसी काम नहीं आनी, ठीक है. अभी आप देखें अगर PIA का कितना बड़ा इशू हुआ हुआ है कि वहां पे लेट्स एक होप बंदे इट ने आगे गेट्स बोल सॉर्टेड दिया कि आउट. जाली डिग्रियां, अब उन्होंने बोल तो दिया जाली डिग्रियां, लेकिन अभी देखें कि हो क्या रहा है, दुनिया में बदनाम हो गए हम, यूरोप में हमारी फ्लाइट जो है ना इतना सस्पेंड कर तो दी. होता भी नहीं है जितना इश्यू बन जाता है. लेट्स होप कि एवरीथिंग एग्जैक्टली गेट्स बेटर. और आई होप हमारे एग्जैक्टली. स्टूडेंट्स को आपका मैसेज मिल गया होगा. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड आई एम श्योर अगर थैंक कोई यू. स्टूडेंट्स आपके साथ कभी कोई कांटेक्ट करना चाहे किसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो वी विल डेफिनेटली कनेक्ट यू विद देम. तो बिल्कुल. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक टू यू थैंक यू. आगे के लिए. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. जी अपना ख्याल रखिए. कल वी विल सी यू विद सम न्यू गेस्ट. अल्लाह हाफिज.